नमस्कार भाइयों, मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं हेवल्स कंपनी का कर्मचारी हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आपको हेवल्स सी प्लस संपर्क के बारे में सही सही जानकारी दी जाए। प्यारे भाइयों, हम ये जानते हैं कि हेवल्स कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि MCB, वायर, स्विचेस, अप्लाइंसेस, पंखे, गीज़र, वाटर प्योरीफायर, लाइटिंग। बेसिकली जो ई प्लस कूपन्स है वो अपने बिल्डिंग सेगमेंट प्रोडक्ट्स में आते हैं। बिल्डिंग सेगमेंट प्रोडक्ट्स मतलब जिसमें आप काम करते हैं, जैसे कि स्विचेस, वायर, MCB। इनमें कूपन जो रहते हैं वो डब्बे के ऊपर लगे होते हैं, पीले रंग का कूपन होता है, उस पर ई प्लस लिखा होता है। इसका बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले आपको ई प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ई प्लस ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन में, आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, उस OTP को डालिए। OTP डालने के बाद आपको उसमें ऑप्शन पूछेगा पासवर्ड का, जो कि प्राइवेसी के लिए है। पासवर्ड डालिए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप ई प्लस ऑप्शन में जाइए। ई प्लस ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसमें बहुत सारे आइकॉन्स मतलब ऑप्शन दिखेंगे। उसमें आपको ई प्लस में एक्यूमलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक्यूमलेशन ऑप्शन में जाने के बाद आपको सारे कूपन इसमें स्कैन करके डाल सकते हैं या मैनुअल डाल सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके कुछ पॉइंट्स जमा होंगे। पॉइंट्स बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपने जितना पॉइंट एक्यूमलेट किए वो उतना पैसा है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम उस पैसे का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। इस पैसे का फ़ायदा उठाने के लिए तीन चीज़ें हैं। पहला, आप अपने मोबाइल का को रिचार्ज करा सकते हैं। दूसरा, आप ई वाउचर मंगा सकते हैं। जैसे आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई भी परचेजिंग करनी है तो उसके अगेंस्ट में आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, जो कि हेड ऑफिस से होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना चेक अपलोड करा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने चेक अपलोड करने का प्रोसेस भी इस वीडियो में डाला है। चेक अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, उसमें बैंक डिटेल अपडेट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको बैंक की पूरी डिटेल डालनी है। चेकबुक या पासबुक दोनों की कॉपी अपलोड करनी है, सबमिट करना है। जैसे आपके पास अप्रूवल का मैसेज आएगा, आप रिडीम में जाके उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।